हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों का वज़न बढ़ाने के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस फूड को आज हम शकरकंद से बनाने वाले हैं। तो इसे अगर आपका बच्चा खाएगा तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होने लग जाएगा। इसमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में काफ़ी मदद करते हैं। तो फिर चलिए इसे बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। इस सुपर हेल्दी फूड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ की ये देखिए शकरकंद ली है। इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड निकाल देंगे और इसका छिलका हम उतार लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले शकरकंद का भी छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए शकरकंद का छिलका मैंने उतार लिया है और एक बार इसे और अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसे हम इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। तो मैंने इसे बिल्कुल एकदम पतले स्लाइसेस में काट लिया है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी और पानी में उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तब हमने जो ये शकरकंद के पीसेस काट कर रखे हैं इसे हम डाल देंगे पैन में। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक खजूर लिया है, तो खजूर के अंदर वाला बीज मैंने निकाल दिया है। इसे भी हम पैन में डाल देंगे और इसमें बॉईल आने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे पकाते हुए मुझे 4 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं शकरकंद एकदम अच्छे तरीके से गल गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो बॉयल शकरकंद यहाँ पर हल्की ठंडी हो चुकी है। अब मैंने लिया है यहाँ पर ग्राइंडिंग जार। तो बॉयल की भी सभी सामग्री अब हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम पानी सहित ही ऐड कर देंगे जिससे कि इसे ग्राइंड करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये देखिए सभी सामग्री को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एकदम स्मूथ प्यूरी ये देखिए इसकी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब ये हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये बनकर तैयार है डियर पेरेंट्स, आपके घर के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आप इसे ठंड के मौसम में बच्चों को बनाकर देते हैं तो इससे बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी, आंखों की रोशनी तेज होगी और इम्यूनिटी और एनर्जी बच्चों की बढ़ने लग जाएगी। और इसे आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका स्वाद बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। और इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा है, इससे बच्चों को पचने में काफ़ी आसान रहेगी। तो एक बार आप इसे बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।